जय श्री कृष्णा मित्रों। मित्रों मैं आज आप सबको श्रीमद् भागवत गीता के सप्तदश अध्याय यानी 17वां अध्याय श्रद्धात्रेय विभाग योग सुनाने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चैनल पर इसके पिछले 16 अध्याय की वीडियो अपलोड कर रखा हूं, आप उसे देखें और उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों इस अध्याय में 28 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें किस प्रयोजन अथवा नियोजन से कार्य करना उचित होगा, अर्थात उनकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी कि तामसी है। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा यानी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गुणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एक कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त होते हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रिस करने वाले हैं, यानी शास्त्र से विरुद्ध उपवासवादी घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को क्रिश करना है। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी इन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे विस्तार से सुन। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले यानी जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे लवणायुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उचिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु यानी यहाँ गुरु शब्द से माता पिता आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हो उन सबको समझना चाहिए, और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता सरलता ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकार एवं यथार्थ भाषण है
यानी मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भागवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित यानी अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका हो। एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, बाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल यानी जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। और पात्र के यानी भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न और वस्त्र, औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान, ब्राह्मण जन, धनादि सब प्रकार से पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। यानी इस श्लोक में यह कहा गया है कि दान उसी को देना चाहिए जो पात्र हो और समय और परिस्थिति को देख कर देना चाहिए कि किस व्यक्ति को दान देने से उसको सुख प्राप्त होगा और उसको किस चीज की जरूरत होगी। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक यानी जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे, चिट्ठे आदि धन दिया जाता है तथा परितुपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में यानी अर्थात मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि के निवृत्ति के लिए रख कर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम, तत्, सत, ऐसा यह तीन प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत अर्थात तत नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती है। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उसका परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद ही। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप दो बार, तीन बार सुने, निश्चित ही आपको यह समझ में आने लगेगा। मित्रों, अगर आपको इसके पिछले 16 अध्याय नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं और आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन
आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके और इस चैनल पर मनुष्य जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए वेद पुराणों में वर्णित नई नई जानकारियां लेकर मैं आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।